दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गणेश आई वर्ल्ड में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री में आर्हीनियस समीकरण की सहायता से सक्रियण ऊर्जा का निर्धारण करेंगे। क्या? आर्हीनियस समीकरण की सहायता से सक्रियण ऊर्जा का निर्धारण। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आर्हीनियस समीकरण को पढ़ा था, समझा था, इसके उपयोग देखे थे। तो यदि आपने उसको नहीं देखा अभी तक, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम आर्हीनियस समीकरण की सहायता से सक्रियण ऊर्जा का निर्धारण करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो आर्हीनियस समीकरण है, इसकी सहायता से हम सक्रियण ऊर्जा का निर्धारण दो प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, पहला प्रकार है हमारा ग्राफीय विधि द्वारा। कौन सी विधि? ग्राफीय विधि द्वारा। और दूसरा प्रकार हमारा है ताप गुणांक विधि द्वारा। क्या? ताप गुणांक विधि द्वारा। इन दो विधियों द्वारा हम सक्रियण ऊर्जा का निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्राफीय विधि वाला करते हैं कि ग्राफीय विधि से हम सक्रियण ऊर्जा का निर्धारण करेंगे क्या। ठीक है, तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा कि इसकी ग्राफीय विधि कीजिए या इसकी ताप गुणांक विधि कीजिए। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन कैसे आएगा वो मैं समझा रहा हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको आएगा आर्हीनियस समीकरण की सहायता से ग्राफीय विधि सॉल्व कीजिए, या फिर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आर्हीनियस समीकरण द्वारा सक्रियण ऊर्जा के निर्धारण की ग्राफीय विधि कीजिए। क्या? आर्हीनियस समीकरण द्वारा सक्रियण ऊर्जा के निर्धारण की ग्राफीय विधि कीजिए। ठीक है, या फिर अथवा ये कैसे क्वेश्चन बन सकता है उसको सुनो। ठीक है, ऐसे बन सकता है आर्हीनियस समीकरण को सीधी सरल रेखा के रूप में व्यक्त कीजिए। आर्हीनियस समीकरण को सीधी सरल रेखा के रूप में व्यक्त कीजिए एवं इसके ग्राफ बनाइए, एवं इसका ग्राफ बनाइए, ऐसे क्वेश्चन हमें आएगा। ठीक है, तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आए हमारा आंसर वही रहेगा। ठीक है, तो हम इसको करते हैं, ग्राफी विधि करते हैं इसकी, कि ग्राफी विधि है क्या, है ना। तो हमें आर्हीनियस समीकरण के द्वारा सक्रियण ऊर्जा का निर्धारण करना है। पहले ही उसने बोल दिया कि आर्हीनियस समीकरण की आप सहायता लो। ठीक है, तो हम क्या लिख लेंगे, आर्हीनियस समीकरण की सहायता से। तो लिख लिया हमने आर्हीनियस समीकरण की सहायता से। ठीक है, अब आर्हीनियस समीकरण की सहायता से, तो आर्हीनियस समीकरण हमने बता दिया था लास्ट वीडियो में क्या होता था, k बराबर a टू दी पावर माइनस ea अपॉन rt, ये आर्हीनियस समीकरण होता है। ठीक है, तो इसकी सहायता लेना है और हमें सक्रियण ऊर्जा का निर्धारण करना है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको लॉग लेना है। ठीक है, तो आप क्या लिख दोगे, लॉग ई बेस लेने पर, लेने पर, लॉग ई बेस लेने पर। तो इसमें आप लॉग ले लोगे तो क्या हो जाएगा, ये लॉग ई बेस के बराबर लॉग ई बेस ए डॉट ई टू दी पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये हमारा बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा समीकरण बन जाएगा, कोई दिक्कत है? ठीक है, अब लेकिन आपने सिक्स क्लास से आप पढ़ते आ रहे होंगे, यदि log m डॉट log n अगर इस टाइप से कुछ लिखा हुआ है तो आप उसको क्या लिखते थे, log m प्लस log n, ये इस प्रकार से आप लिख देते थे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो, ये log में यहाँ पर ये दो संख्या है, एक a है और एक a है और एक e है, दो नंबर है यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर दो वेरिएबल थे, उसी प्रकार से वेरिएबल दो यहाँ पर है। ठीक है, तो इसी इसमें जो फॉर्मूला है ये वाला, वो यहाँ पर लग जाएगा। जब ये हम फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, log e बेस के बराबर log e बेस a, है ना। अब इसमें लगाएंगे तो log e बेस a, ठीक है, फिर हम क्या लगाते हैं प्लस, फिर इसमें अलग से लगा देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, लॉग ई बेस, अब यहाँ पर ई तो है ही, ठीक है, ई तो यहाँ पर है ही, और यहाँ पर ये ई टू दी पावर चल क्या रहा है, इसको मैं चलो छोटा कर रहा हूँ थोड़ा सा, हाँ, इसकी पावर हमारा चल क्या रहा है, माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये हमारा
चल ही रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो अब इसके बाद आप एक फॉर्मूला और याद करो। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, यदि log e बेस m की पावर n होती है, यदि log e बेस m की पावर क्या होती है, n होती है, तो ये जो पावर है ना वो पावर कहाँ चली जाती है, आगे चली जाती है। मतलब यहाँ पर 5 पावर n है तो n आगे चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, n log e बेस m। ये स्टाइल्स का कोई फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो अब आप ये देखो, यहाँ पर ये फॉर्मूला लग रहा है क्या, आप देखो लग रहा है ना, हाँ लग जाएगा। तो यहाँ पर पावर में क्या है, माइनस ई ए अपॉन, सॉरी हाँ माइनस ई ए अपॉन आई टी ए है इसका पावर में। तो ये जो माइनस ई ए अपॉन आई टी है ये कहाँ चला जाएगा, आगे चला जाएगा, ठीक है। जब ये आगे जाएगा तो आप देखो क्या बन जाएगा, लॉग ई बेस के बराबर लॉग ई बेस ए प्लस। अब ये उस तरफ जाएगा, आगे जाएगा, तो ये तो माइनस का है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस ई ए अपॉन आर टी और ये लॉग ई बेस ई, ठीक है, लॉग ई बेस ई ये हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात आप याद रखना कि जो लॉग ई बेस ई होता है, लॉग ई बेस ई होता है उसका मान क्या होता है, वन होता है, उसका मान क्या रहेगा, बंद होगा। तो इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, बंद कर देंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, log e बेस के बराबर log e बेस a सेम रहा, माइनस ई ए अपॉन आर टी इंटू में क्या लिख देंगे, हम बंद रख देंगे, क्योंकि इसका मान हमने क्या पुट कर दिया, बंद कर दिया, क्योंकि ये होता ही है ना, ये मैथमेटिकल्स का रूल है कि ये इसका मान बंद होता है, ये प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, उसको अपन देखते हैं। चलो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और पहले हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। हाँ इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं और कुछ नहीं करना भैया, आपको क्या करना है, जो log e बेस, जो log e बेस दिख रहा है, इस log e बेस को हमें log 10 में कन्वर्ट करना है, किसमें, log 10 में, ठीक है। तो अब आप ऊपर देखो, ठीक है, तो देखो इधर, ये log e बेस को हमें किसमें चेंज करना है, log 10 में। तो एक log e बेस बराबर होता है 2.303 log 10, ये होता है, ठीक है। तो हम जहां पर log e बेस रहेगा वहां पर हम क्या रख सकते हैं, 2.303 log 10, ये हम पुट करेंगे, ठीक है। तो अब हमें देखते हैं, अब आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या है, log e बेस है, क्या है, log e बेस, इसको दिखाओ, इसको एक बार दिखा दो भाई। हाँ ये log e बेस है, इसकी जगह हम log 10 रख देंगे। यहाँ पर ये log e बेस है, इसकी जगह हम क्या रख देंगे, 10 रख देंगे, ठीक है। तो अब आप देखो इधर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2.303 log 10 और ये k, ठीक है। अब यहां पर हम पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2.303 log 10 और यहां पर क्या है, a है, ठीक है, डॉट ई ए, हाँ नहीं नहीं डॉट, हाँ कोई दिक्कत नहीं, log 10 a माइनस ई ए अपॉन आर डी, ये हमारा बना, ठीक है, क्योंकि बन का तो कोई मतलब ही नहीं रहता, ये बन गया। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सीधी सरल रेखा के रूप में इसको व्यक्त करना है, ग्राफ बनाना है ना आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से आपको ये 2.303 दिख रहा है, इसको हटाना पड़ेगा। जब आप इसको हटाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसी का भाग देना पड़ेगा, तब तो हटेगा, है ना। तो आप लिख दोगे समीकरण में, 2.303 से भाग देने पर, चलो अब हम इसमें भाग देंगे तो ये तो यहां से हट जाएगा, अब ये यहां से हट जाएगा तो क्या बच जाएगा, log 10 के बच जाएगा, ठीक है। अब यहां इसमें भाग देंगे तो ये भी हट जाएगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा, log 10 a, यही बचेगा ना, ठीक है, ये हट गया। अब यहां पर आप देखो, अब यहां पर भाग देंगे तो यहां पर हटने वाला तो है नहीं, क्योंकि ऊपर कुछ होता इस टाइप का तो वो कट जाता, लेकिन इसमें ऊपर नहीं है, तो इसमें हम भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, उसके फिर साथ ही रहेगा, ये अलग से नहीं चेंज होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो ऊपर है, अब भाग लगा रहे हैं ना हम 2.303
303 से, है ना, तो ये आ जाएगा, है ना। और इसमें जो IT है वो सेम ही रहेगा, उसका कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। चलो अब इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको आप इस तरफ लेके आ जाओ, और जो ये दिख रहा है ना आपको, ये इसको आप इस तरफ ले जाओ, ठीक है। तो अब ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि मुझे सीधी सरल रेखा के रूप में व्यक्त करना है, तो उस रूप में व्यक्त हो जाए, इसलिए ऐसा हम कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैं सरल रेखा का समीकरण भी आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो इसको हम इस तरफ लेके आ जाएंगे, तो ये हमारा log 10 के तो है, इसको हमने आगे लिख लिया माइनस ea अपॉन 2.303, और ये r इसको अलग लिख दिया, और ये 1/t दिख रहा है ना, इसको मैंने अलग लिख दिया, ठीक है। ये ea अपॉन 2.303 rt है ना, तो इसको मैंने इतना अलग कर दिया और 1/t को अलग कर दिया, ठीक है। अब इसको पीछे लिख रहा हूं तो ये काय का है, प्लस का है, ठीक है। तो ये प्लस log 10 a, प्लस log 10 a, ठीक है। अब ये हमारा एक समीकरण बन गया, एक समीकरण बन गया, जिसको हमने दे दिया समीकरण एक, ठीक है। चलो अब आप 2 सेकंड के लिए इसको भूल जाओ, अब 2 सेकंड के लिए आप इसको भूल जाओ कि ये हम निकाल रहे, ठीक है। अब आ जाओ आप 11th मैथ पे, ठीक है। 11th मैथ, तो 11th मैथ में आपने एक सीधी सरल रेखा का समीकरण पढ़ा होगा, सीधी सरल रेखा का समीकरण जो होता है y बराबर mx प्लस c, क्या y बराबर mx प्लस c, ये एक सीधी सरल रेखा का समीकरण है, ठीक है, जिसमें y अक्ष है, और जो x आपको दिख रहा है ये x भी अक्ष है, है ना, और जहां पर आपको ये m दिख रहा है, ये m है प्रवणता, प्रवणता, या फिर इसको हम ढाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ढाल बोलते हैं, या स्लोप, इंग्लिश में बोले तो स्लोप, ठीक है। और यहां पर आपको जो c दिख रहा है वो क्या है, नियतांक, अचर राशि, ठीक है। एक बार और सुनो मैंने क्या बोला, ये एक सीधी सरल रेखा का समीकरण होता है y बराबर mx प्लस c, जहां पर जो y है वो अक्ष है, x है वो भी अक्ष है, x क्या है, अक्ष है, और जो m है वो क्या है, ढाल, क्या है, ढाल, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार का ढाल, ये ढाल दिख रहा है ना आपको, हाँ इस टाइप का, ठीक है। चलो इसके बाद जो c है क्या, वो नियत राशि है, कौन सी राशि है, नियत राशि है। तो आप हमें ये बताओ, क्या हम इस समीकरण की तुलना सीधी सरल रेखा वाले समीकरण से नहीं कर सकते, सीधी सरल रेखा वाला जो समीकरण है y बराबर mx प्लस c, इससे नहीं कर सकते, हमें इसमें ग्राफ बनाना है ना, तो ग्राफ बनाना है तो कुछ ना कुछ तो इसका करना पड़ेगा साहब, अगर बगैर इसको कुछ किए तो ये ग्राफ नहीं बनाने देगा, ठीक है। तो इसका हमें ग्राफ बनाना है, तो इसकी हम तुलना क्या कर देंगे, जो सरल रेखा का समीकरण है उससे कर देंगे, ठीक है। तो आज जब हम सरल रेखा के समीकरण y बराबर mx प्लस c से तुलना करेंगे, तो देखो इधर y बराबर क्या हो जाएगा, log 10 के हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, log 10 के हो जाएगा, ठीक है। अब c बराबर क्या हो जाएगा, log 10 a हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 1/t हो जाएगा, है ना, और जो m है वो m बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस ea अपॉन 2.303 r, ठीक है। तो जो ये वाला आपको समीकरण देख रहा है, इसका जो ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है वो देखो, ठीक है। देखो ये और ये दो अक्ष होते हैं, आपको तो पता ही है अक्ष इस प्रकार से ही बनते हैं, ठीक है, ये x अक्ष होता है और ये y अक्ष होता है, ठीक है। तो ये x अक्ष हो गया और ये y अक्ष हो गया, इस प्रकार से आपको दिख रहा है। अब m क्या बताया मैंने, ढाल होता है, तो ढाल किस टाइप से बनता है, कुछ इस टाइप से बनता है, है ना, तो ये ढाल बन गया, ठीक है। ये क्या है, m है, क्या है, m। तो इसका जो ग्राफ है वो इस टाइप से बनता है, इसका ग्राफ है ना कुछ इस टाइप से बनता है, आपको समझ में आया। तो हमें अब क्या करना है, इस वाला जो समीकरण है इसकी तुलना इससे करके और फिर ग्राफ हमें बनाना है, तो समझो आप, है ना। इसको आपने समझ लिया क्या, कि जो यहां पर होगा वो इस अक्ष पर आएगा, जो यहां पर होगा, जो सॉरी हाँ, जो यहां पर होगा वो इस अक्ष पर आएगा, और जो यहां पर होगा वो यहां पर आएगा, ठीक है। और इसका कुछ नहीं है, ये खाली पड़ा रहेगा, आपको समझ में आया, ठीक है। तो अब मैं यही लिख रहा हूं, देखो मैंने आपको यहां समझा दिया, ये एरो लगा के आपको बता दिया क्या क्या है, ठीक है।
तो ये अभी तो आप समझने के लिए लिख लो, बट एग्जाम में इसको नहीं लिखना, ठीक है? तो अब क्या करना है, मुझे लिखना है समीकरण एक की तुलना सरल रेखा के समीकरण y बराबर, सरल रेखा के समीकरण y बराबर mx प्लस c से करने पर, ठीक है? अब जब हम ऐसा करेंगे करने पर, ठीक है, तो क्या जाएगा भाई, y बराबर क्या निकलेगा, log 10 के, ओके, कॉमा लगा देना, ठीक है? अब m बराबर क्या निकल रहा है, माइनस ई ए अपॉन 2.303 r, ठीक है? और यहां पर जो x है उस x बराबर क्या निकल रहा है, 1/t, समझ में आया आपको? अब आपको क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है? तो सीधी सरल रेखा का ग्राफ किस टाइप से रहता है, इस टाइप से रहता है ना, इस टाइप से, ठीक है? यहां पर x लेते हो, यहां पर y, तो x की जगह, सॉरी, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां पर जो y की जगह हमने क्या माना, log 10 के, तो यहां पर आप लिख दोगे log 10 के, ठीक है, ये वाले अक्ष पे, ठीक है? ये कौन सा अक्ष होता है, x अक्ष, ठीक है? तो x इज इक्वल टू क्या माना आपने, 1/t, तो यहां पर आप क्या लिख दोगे, 1/t, है ना? इसके बाद ये वाला एक ढाल बनता है, यहां से कोई ढाल बनता है ना स्लोप, तो इसको आपने क्या माना, ढाल क्या होता है, एम होता है ना, और उसको क्या माना आपने, माइनस ई ए अपॉन 2.303 r, 2.303 r, ये क्या है, ढाल है, क्या है, ढाल, या फिर हम इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, ठीक है? और हिंदी में जाए इसको तो या फिर हम ऐसा कहें कि जो गणित की भाषा है उस गणित की भाषा में इसको बोलते हैं प्रवणता, क्या बोलते हैं, प्रवणता। तो ये हमारा ग्राफ बन गया, ये हमारा ग्राफ बन गया, ठीक है? तो क्वेश्चन एक बार आप भैया स्क्रीन को इधर ही दिखाना आप, ठीक है? तो हमारा ये क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था आर्हिनियस समीकरण को सीधी सरल रेखा के रूप में लिखिए एवं इस समीकरण से ग्राफ खींचिए, एवं इस समीकरण से ग्राफ खींचिए। तो देखो हमने ये ग्राफ खींच दिया, क्या आपको दिख रहा है, ठीक है? तो यदि आपको थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा हो कि समझने में कमी आ रही है तो आप वीडियो को फिर से खींचिए पीछे और फिर से देख सकते हैं, ठीक है? अब तो आप कई बार देख सकते हैं, ठीक है, और मुझे भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी कि मुझे बार बार आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है? तो आई होप कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है? तो इसके बाद हम अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।